गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी बजे सुबह की 7 और हम लोगों की हो रही है पैकिंग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं यमुनोत्री। तो अभी तो मैं श्रीनिधि की पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम श्रीनिधि को लेके तो नहीं जाएंगे, इसे छोड़ देंगे इसकी नानी के पास। सिर्फ मैं, मेरे पति देव और ससुर जी जाएंगे। आइए बैठे यहाँ पे। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हम हो गए रेडी जाने के लिए। श्रीनिधि और उसके पापा तो चले गए कार में, मैं भी जा रही हूँ। हम लोग आ गए हैं घर से और अभी हम तो जा रहे हैं श्रीनिधि को उसकी नानी के पास छोड़ने के लिए। हाँ श्रीनिधि, चलोगे हमारे साथ? गुब्बारा फूल रहा। श्रीनिधि को थोड़ा जुकाम लगा है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा गुब्बारे फूल रहे हैं उसकी नाक में, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। श्रीनिधि तो अभी तो हम निकले हैं घर से, थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी आएगी, फिर हम लोग जाएंगे। हम लोग अपनी कार में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सर थोड़ा अनट्रेन है, इसलिए हम गाड़ी बुक करा के जा रहे हैं। वहाँ थोड़ा सा रोड खराब है, इसलिए हमने गाड़ी बुक करी है, अपनी कार में नहीं जाएंगे। करो करो डांस करो। जय कदे जय ठीक हर हर महादेव ठीक है। हम अभी पहुंच चुके हैं सिलग्यारा बैंड, और ये रहे सिलग्यारा बैंड पे जो ढाबे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। ये रही गाड़ी, इसमें हम जा रहे हैं यमुनोत्री, और यहाँ पे रुके हैं हम। हम लोग पहुँच गए अभी सिलग्यारा बैंड पे, यहाँ पे हम लोग खाएंगे खाना। अभी खाना बहुत अच्छा बनता है, चूल्हे का खाना। रुकना जरूर आओगे तो यहाँ पे खाना खाना, वैसे मैंने भी नहीं खाया। ये रहा चूल्हा, इस पे बनी थी रोटियाँ। खाना हमने खा लिया, अच्छा था। अब चलते हैं आगे। पहुंच चुके हैं खरसाली गांव, और इस तरफ रहा ये हेलीपैड खरसाली गांव में, और ये रहा वो पैदल रास्ता 5 किलोमीटर का, जो कि यमुनोत्री धाम तक है। कल यात्रा करेंगे, आज यहीं पे स्टे करना है। हम लोग पहुँच गए हैं खरसाली गाँव, सुबह निकले थे 11:30 बजे, और अभी 4:30 बजे पहुँचे हम लोग।
अभी रुके हैं चाय पीने के लिए, फिर उसके बाद जाएंगे होटल में। खरसाली गांव, ये देखिए व्यू यमुनोत्री का, बर्फबारी हो रही है उस तरफ। कुथार कैफे जबरदस्त जगह है, और ये रहा यमुनोत्री का पैदल रास्ता। हम लोग पहुंच गए हैं होटल में, यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, हीटर भी है। दोस्तों हम होटल में आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ ना हमारे वाले रूम में कुछ चार्जिंग पे लगा है, मुझे बॉम्ब ऐसा नहीं तो जरा रात को फट रहा, अभी से चार्ज कर रहे हैं। पता है क्या हो गए, अभी हम लोग जा रहे हैं पेट पूजा करने, श्याम वाली भूख लग गई। और बहुत ही सुंदर बारिश होने वाली है, मुझे तो लग रहा है कल जब हम जाएंगे मंदिर तो बारिश होगी पक्का। वहाँ से पैदल रास्ता शुरू यहाँ से ना, और अभी बारिश और बाकी के 6 महीने। ये रहा इस तरफ इस पहाड़ी के पीछे यमुनोत्री मंदिर है, 6 महीने का प्रवास जो है यमुना मैया का इधर है। सुंदर सुंदर घर, और बारिश लग गया और हम खो गए हैं, हमें अपना होटल नहीं मिला। हम खो गए हैं, कहाँ है भाई सही में। हमें होटल नहीं मिल पा रहा है अपना, सही में भाई कहाँ है यहाँ। अभी हम खोते खोते बचे, लेकिन शुक्र है भगवान की हमें अपना होटल मिल गया। इस होटल का मकान मालिक नहीं है, इस होटल में ना मकान मालिक है, मकान मालिक है। हम ही आज के यहाँ मकान मालिक हैं, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है, हमारा सामान अंदर ही रह गया, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है, आपके सामने भी मंदिर है, ऊपर पहाड़, और मैं दिखा यहाँ से है, यहाँ से लोग आ रहे हैं सारे रास्ते से, और इधर पार्किंग है, तो हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं। हम दोनों भी यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन लोग हमसे पूछ रहे हैं कि पार्किंग किधर है, तो हम इधर आज रात का हमारे आज रात तक हमारा यही काम है। अरे एक आदमी तो हम पे गुस्सा भी हो गया था, एक आदमी हमसे चिढ़ गया था, क्योंकि जैसे उसने पूछा कि पार्किंग किधर है तब तक हम हंस गए। बस अब इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से कोई और आदमी आए और हम उसे बताए रास्ता इधर से। और हम लोग कल सुबह जाएंगे मंदिर, बोलते रहेंगे 5 बजे जाएंगे, देखते हैं 5 बजे जा पाते हैं या नहीं। हमने डिनर कर लिया, अब कल सुबह जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।